काउंटर पे। मैं बता दूं कि मैं पिछले 10-15 मिनट से कोशिश कर रही हूँ इस काउंटर तक पहुँचने का, और अब बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, क्योंकि यहाँ लोगों की बहुत भीड़ है और बिहार इज नोन फॉर इट्स लिट्टी चोखा, तो ये काउंटर भी खास कर लिट्टी चोखा का है। आप देख सकते हैं यहाँ पोस्टर पे डीके लिट्टी कॉर्नर, जो कि खास कर पटना का है, पटना के डाक बंगला चौराहा का है, और बहुत ही यमी लिट्टी का फ़ोटो भी बना हुआ है पोस्टर पे। इसके अलावा जो यहाँ लिट्टी चोखा बना रहे हैं उनके पास तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों की बहुत भीड़ है और लोग लिट्टी चोखा बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इनसे कोशिश करती हूँ बात करने का। सर आप तो थोड़ा बिजी हैं, लेकिन एक बात बताइए कि लिट्टी चोखा दिल्ली में ला करके लोगों को भेज रहे हैं, यहाँ के लोगों से कितना प्यार मिल रहा है, कितना लोग पसंद कर रहे हैं लिट्टी चोखा को? और इतना अच्छा से खा रहे हैं, कहते हैं कि सब पूरा स्टॉल के सामने ये तो नंबर वन है, सबसे बेस्ट है। दिनेश जी, आपके चेहरे की खुशी देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोग बिहारी लिट्टी चोखा खास कर पसंद कर रहे हैं ना? हाँ, यस मैम जी। तो देखा आपने, यहाँ पे दिल्ली में अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बिहारी स्ट्रीट फूड, और ख़ासकर यहाँ बिहार के काउंटर की बात करें तो लिट्टी चोखा है यहाँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी मशक्कत के बाद मैं अंदर तक जा पाई हूँ, तो आप देख सकते हैं लोग कितना प्यार दे रहे हैं बिहार के स्ट्रीट फूड को, बिहार के लिट्टी चोखा को। और आप देख सकते हैं कि जो बिहार के रहने वाले नहीं हैं वो भी बिहारी लिट्टी चोखा को खास कर पसंद कर रहे हैं, और सब लोग लगे हुए हैं एक साथ इसका मज़ा लेने में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुड़गांव के रहने वाले हैं, और हरियाणा के रहने वाले हैं, और लिट्टी चोखा खा रहे हैं जो कि बिहारी है। कैसा लग रहा है बिहारी स्ट्रीट फूड खाकर? बहुत अच्छा है, एकदम डिफरेंट है, यहाँ पे ऐसी चीज मिलती नहीं है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सही में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं खा के जी। अच्छा बाबू, मैं आपसे पूछूंगी, लिट्टी चोखा जो कि बिहारी क्यूजीन है, पता आपको बिहार के लोग खाते, इसे बिहार में बनता है, तो कैसा लग रहा है लिट्टी चोखा? ठीक है। आपने खाया है पहले कभी? पहली बार खा रहे हो, अच्छा लग रहा है। अच्छा मैम आप बताइए, लिट्टी चोखा बिहारी स्ट्रीट फूड खा करके कैसा लगा, मज़ा आया? हरियाणा के हैं आप, कभी नहीं खाया होगा, बिहार जाने का मौका मिले ना मिले, तो आप यहाँ पे बिहारी स्ट्रीट फूड इंजॉय करें, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, चटनी स्पेशली बहुत टेस्टी है। तो देखा आपने, जो बाहर के भी लोग हैं जो उस स्टेट को बिलोंग नहीं करते हैं, वो कितना इंजॉय करें, आप इनको देख के समझ जाएंगे कि बिहारी लिट्टी चोखा हरियाणा के लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आगे चलते हैं किसी और काउंटर पर। खई के पान बनारस वाला खोला बंद अकल का धागा। जी हाँ, तो हर स्टेट के बाद फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बनारसी पान टेस्ट करने, और आप देख सकते हैं पान देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बहुत ही चाव से इसे लोग यहाँ लगा भी रहे हैं। मैं बता दूँ बनारसी पान दूर दूर तक फेमस है, दूर से लोग बनारसी पान खाने के लिए आते हैं। भैया एक काम करो, आप मेरे लिए भी एक पान लगा दो जल्दी से, और साथ में बता दो क्या खासियत है बनारसी पान। बनारस के पान में खासियत जो बनारस में पत्ता और कत्था कहीं नहीं मिलता है, और हमारे जो सुपर स्टार अमिताभ बच्चन हैं पान खा के सुपरस्टार हीरो हो गए, बनारस में जाके हमारे नरेंद्र मोदी पान खा के हमारे देश के पीएम हो गए, बनारस की खासियत है। देश की बात करें भारत में तो हर स्टेट में पान तो मिलता ही है, हर स्टेट में हर गली में एक पान का दुकान तो होता ही है, तो बनारसी पान क्यों स्पेशल, उसमें आप ऐसा क्या डालते हैं? जो बनारस में पत्ता है ये कहीं नहीं मिलेगा, बनारसी मगही, दो तरह के पत्ते होते हैं ना, ये मगही है, मगही पत्ता, मगही पत्ता है, और कत्था जो वहाँ है, जो बाहर में कत्था है, सेंट है, देखिए ये जो सेंट है जो है ये कहीं नहीं मिलता है। अच्छा एक बार मुझे एक पान लगा करके दिखा दीजिए, कैसे लगाते हैं, कैसे तैयार करते हैं आप बनारसी पान, ताकि हमारे दर्शक भी देखें कि जो बनारसी पान वो सुनते आए हैं सिर्फ, जो अमिताभ बच्चन खा के सुपरस्टार बन गए, जो नरेंद्र मोदी खा के प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो पान आखिर आप बनाते कैसे हैं? ये आपने क्या लगाया? कत्था, ये पत्ता है, ये कत्था मुंह में डालने से गल जाता है, और पत्ता है जो कड़ा होता है, सुपारी यहाँ खाते नहीं लोग, पहले लोग सुपारी डालते हैं, सुपारी ये है जी, तो ऐसे हम डालते हैं। और आजकल जो लोग पसंद करते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हम अलग अलग चीज डाल रहे हैं, ये क्या क्या चीजें इसमें डाली हैं? इसमें नारियल है, चेरी है, गुलकंद है, और मीठा सौंफ है, हरा सादा सौंफ है,
तमाम तरह का मसाला, इलायची है। देर किस बात की, मैं भी ये जो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है पान देखने में, और बनारसी पान केवल आज तक सुनते आई हूँ, कभी टेस्ट नहीं किया है, एक पान दे दो जल्दी से बना करके। अच्छा सर एक बात बताइए, जब तक वो बना रहे हैं एक बात बताइए, आपने बोला कि अमिताभ बच्चन बनारसी पान खा के सुपरस्टार बन गए, नरेंद्र मोदी बनारसी पान खा के प्राइम मिनिस्टर बन गए, मैं आज अगर ये पान खाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी ये बताइए। तो वो तो आपके कला के ऊपर है, आपके कला के, आपके शोहरत के ऊपर है। ये बात तो है कि अगर ये पान मैं खा लूँ तो मैं जरूर एक दिन बड़ी आदमी से जरूर बन सकूंगी जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया, बनारसी पान जो खाता है वो बड़ा आदमी जरूर बनता है। इनके सामने एग्जाम्पल है, अमिताभ बच्चन ने बनारसी पान खाया, नरेंद्र मोदी ने बनारसी पान खाया, और अब मेरे हाथ में ये बनारसी पान है, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं ये बनारसी पान खाने जा रही हूँ, और जरूर एक न एक दिन आप मुझे कहीं और देखेंगे। पान खाने क्यों आए इस स्टॉल पे ये बताइए। देखिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुनिया, हमारे देश भर से लोग यहाँ पर है, अपने अपने शहर का स्वाद लेके आए हैं, अपने अपने यहाँ का खाना लेके आए हैं, अपने अपने शहर का जायका लोगों को स्वाद दे रहे हैं। पान एक ऐसी चीज़ है जिसे खाने के बाद कि लोगों में एक जान आ जाती है, और दिल्ली की सर्दी आप देख रहे हैं अभी, तो पान खाने के बाद एक तरह की सर्दी भी चल जाती है लोगों की। तो चाहे अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी और हमारे से कोई आम आदमी हो, अच्छे दिन आ गए तो पान तो खाने पड़ता है। थैंक यू। तो देखा आपने, लोग पान खा रहे हैं और अपनी ठंडक तो भगा ही रहे, साथ ही हर स्टेट, हर राज्य के जायके को भी एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपको हर स्टेट के स्ट्रीट फूड पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडिया 24/7।